नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या फाइब्रॉइड आपके इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है कि नहीं। फाइब्रॉइड, जिसको हम आम भाषा में रसौली कहते हैं, वो यूट्रस का एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो यूट्रस की बीच की लेयर होती है, जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं, उसमें डेवलप होता है। फाइब्रॉइड जनरली मेलिग्नेंसी या ट्यूमरस नहीं होता है, हाँ, लेकिन फाइब्रॉइड से इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्पेशली अगर फाइब्रॉइड आपका जो लोकेशन है वो यूट्रस के अंदर की तरफ बल्ज कर रहा है, यानी कि उसको जो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड होता है, या फिर अगर इंट्रामुरल, मतलब ऐसा फाइब्रॉइड जो बच्चेदानी की अंदर की लेयर पे टच कर रहा है, या फिर फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा है, वो मोर देन 2.5 सेंटीमीटर का है और अंदर की लेयर में टच हो रहा है या बल्ज हो रहा है, ऐसे कंडीशन में वो इम्प्लांटेशन पोटेंशियल को कम करता है, यानी कि आपका जो इनफर्टिलिटी है उसका कारण बन सकता है। अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा भी है लेकिन यूट्रस के बाहरी दीवार की तरफ बल्ज कर रहा है या बाहर की तरफ है, जिसको हम सब सिरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं, तो वो जनरली आपके फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट नहीं करता। लेकिन फाइब्रॉइड अगर इंट्रामुरल है या सब म्यूकोजल है तो वो आपकी इम्प्लांटेशन को कम करता है। उसके अलावा फाइब्रॉइड अगर जब होता है तो उसमें बहुत सारे तत्व रसायन निकलते हैं जिससे इम्प्लांटेशन डिक्रीज होती है। फाइब्रॉइड मैकेनिकल कॉज से भी, यानी यूट्रस बहुत एक्टिव हो जाता है और उस फाइब्रॉइड को निकालने की कोशिश करता है, जिसके कारण भी एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने में दिक्कत आती है। अगर जनरली फाइब्रॉइड सिम्टोमेटिक नहीं है तो ये रूटीन अल्ट्रासाउंड जब आप कराते हैं तो उसमें डिटेक्ट होता है, और कई लोगों को इससे सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है, पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द, जिसे हम डिसमेनोरिया कहते हैं, या ब्लड क्लॉट भी आप पास कर सकते हैं। उसके अलावा फाइब्रॉइड की वजह से बार बार गर्भपात की भी हिस्ट्री होती है। ऐसे सारे कंडीशन में आपको एक बार अपना फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलकर एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। जनरली अच्छे अल्ट्रासाउंड से आप फाइब्रॉइड के पोजीशन और लोकेशन को पता कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनली आप MRI करा के भी उसको कंफर्म किया जाता है। अगर फाइब्रॉइड आपके फर्टिलिटी को प्रभावित कर रही है तो ऐसे कंडीशन में फाइब्रॉइड का निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसको हम लैप्रोस्कोपी या दूरबीन विधि द्वारा हम फाइब्रॉइड को निकालते हैं। अगर फाइब्रॉइड बहुत छोटा सा है और आपकी बच्चेदानी के अंदर की लेयर से दूर है तो हम दवाइयों या इंजेक्शन द्वारा फाइब्रॉइड के साइज़ को छोटा करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो बाहर की तरफ है तो किसी भी तरह के कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। धन्यवाद।